हाय फ्रेंड्स, आप में से जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर भी करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और असाइनमेंट्स का आपको सोल्यूशन चाहिए या किसी भी चीज़ में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैम और फिर मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो है बीकॉम सेकेंड ईयर इंग्लिश असाइनमेंट का सोल्यूशन। तो इसमें दो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन वन में से मैंने बी पार्ट का सॉल्व किया है जो पूछा गया है, जिसमें कि अल्बर्ट फोरमैन जो कैरेक्टर है द वर्जर स्टोरी में, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मांगा था उन्होंने। सो जिस तरह से मैंने इसका आंसर लिखा है उस तरह से आपको इस कहानी की स्टोरी भी समझ में आ जाएगी एंड उस पर्सन का जो इसमें लीड है, प्रोटैगनिस्ट है, उसका कैरेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने उस कैरेक्टर के साथ स्टोरी से सम पॉइंट्स लिए हैं, स्टोरी उठाई है एज इट इज़ उस कैरेक्टर से रिलेटेड, ताकि वो कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। सो इस तरीके से ये 4-5 पेज में ये आंसर मेरा कवर हो गया, जो कि आपका ऑलमोस्ट 400 वर्ड्स कवर कर रहा होगा डेफिनेटली। तो आप इसको पढ़ के स्टोरी भी समझ सकते हैं आराम से एंड गुड टू गो, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बी पार्ट सॉल्व किया है, जिसमें कि लेटर लिखना था वेडिंग के लिए, सिस्टर की वेडिंग के लिए एक बैंकेट हॉल से हमें कोटेशंस मांगनी थी, प्राइस कोट मांगना था। सो इसमें आप इस लेटर में क्या करना कि आप एक्चुअली बड़ा करना था इसको, 300 to 400 वर्ड्स में बनाना था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखा है। वैसे जनरली हम रियल लाइफ में इतना लंबा लेटर ना कोई लिखता है, ना ही कोई पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड होता है इतना लंबा लेटर। सो यहाँ पे आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर लेना, जैसे एड्रेस है वो एक्जैक्टली सेम मत लिखना, आगरा का कोई भी एड्रेस डाल दो, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी डाल दो, ठीक है, एज इट इज़ सेम मत रखना बिल्कुल भी, ठीक है। इससे आपके जो यू नो चीटिंग के चांसेस है वो थोड़े से कम लगेंगे, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं लगेंगे अदर से, राइट। सो यहाँ जिस तरह से जो मैंने पॉइंट 1, 2, 3 लिखा है, इसमें से आप कोई भी पॉइंट अपना खुद का ऐड कर सकते हो या इसमें से कोई भी हटा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये ट्राई टू थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है, जिससे कि एग्जैक्ट सिमिलर ना लगे अदर से, राइट। सो हेयर इज दिस वीडियो एंड आई एम श्योर कि ये ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा आपको, और इंग्लिश का आपको तो कहीं नहीं मिला होगा असाइनमेंट्स जो मैंने बना दिया है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको किस पे चाहिए वीडियो, एंड उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल कम अप विद मोर न्यू वीडियोस। मेरे चैनल पे मैं जॉब वैकेंसीज भी शेयर करती हूँ, कई सारी बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंस जॉब शेयर करती हूँ। सो डू विजिट माई चैनल एंड देख लो कि कौन कौन से जॉब्स हैं जो आपको सूट करते हैं, किस किस में आप अप्लाई करना चाहते हो या अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करना चाहते हो जो ऑलरेडी बीकॉम पास कर चुके हैं। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है पीडीएफ फाइल का, वो आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना एंड देन आप उसको मॉडिफाई करके आप अपना असाइनमेंट बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।